Today we will deal with the topic that is cholinergic drugs. Before that, you have to know what is parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system works to save energy. तो ये PNS जो है ये energy को save करने में helpful है. Aids in digestion process में helpful है. Next supports restorative storage में support करता है. Next resting body functions. तो जितने भी body के systems है इसके normal functioning में भी help करता है parasympathetic nervous system. जैसे कि decrease in heart rate को decrease करेगा, GI tract को GI tract के फंक्शनिंग को इंक्रीज करेगा, उसके टोनिसिटी को भी इंक्रीज करेगा, पेरिस्टाइसिस मूवमेंट को भी मेंटेन करेगा, यूरिनरी स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा. नेक्स्ट इट हेल्प्स इन वैसोडायलेशन, डायलेशन ऑफ द वेसल्स एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट हाउ द बॉडी रेस्पॉन्सेज. फर्स्ट इज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इन स्किन. जो स्किन में ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, दैट इज ब्रैडीकार्डिया. इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उसका सिक्रेशंस बढ़ जाता है. और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ वेसल्स ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई में स्मूथ मसल्स है उसका कंस्ट्रक्शन होगा. इंक्रीज इन स्वेट ग्लैंड्स सच एज कूलिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. तो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्मूथ मसल्स है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होंगे. स्केलेटल मसल्स में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसके भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. सो दीज आर द बॉडी रेस्पॉन्सेस. नेक्स्ट इज कॉलिनर्जिक रिसेप्टर. कॉलिनर्जिक रिसेप्टर में फर्स्ट है आपका M1 सिक्रेटरी ग्लैंड्स विच इज़ हेल्प्स इन सलाइवेशन, स्टमक एसिड, स्वेटिंग एंड लैक्रीमेशन. तो ये क्या है, लैक्रीमेशन होने में जो लैक्रिमल ग्लैंड से जो लैक्रीमेशन प्रोसेस होता है तो उसमें हेल्प करता है सिक्रेटरी ग्लैंड्स. जैसे सलाइवेशन हो गया, स्टमक एसिड सिक्रेशन हो गया, स्वेटिंग हो गया. नेक्स्ट M2 हार्ट डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज होगा. ब्रैडीकार्डिया दैट इज़ ब्रैडीकार्डिया. नेक्स्ट M3 स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स विच लीड्स टू डायरिया, ब्रोंकोस्पास्म एंड यूरिनेशन. M3 प्यूपल एंड सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच लीड्स टू मियोसिस. मियोसिस मतलब ये है कि एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल ऑफ द आई. जो आई का जो प्यूपल है उसके जब एक्सेसिवली ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं मियोसिस. जिसके कारण क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर उसमें प्रेजेंट रहता है उसका फ्लो इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट स्केलेटल मसल एंड प्लेट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ऑटोनोमिक गैंग्ले, एड्रिनल मेड्यूला, इंक्रीजेज इन सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन कंट्रोल और ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. तो ये आपके कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलिनर्जिक ड्रग्स. तो ये कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, often called parasympathomimetic drugs because their action mimics the action of parasympathetic nervous system. तो ये cholinergic drugs को parasympathomimetic drugs भी कहा जाता है क्योंकि ये parasympathetic nervous system के जैसे ही act करता है, मतलब उसका mimicry करता है, उसके actions को ये copy करता है, इसीलिए उसको parasympathetomimetic drugs भी कहा जाता है. and also called as cholinomimetic भी कहा जाता है. इट स्टिमुलेट पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इन सेम मैनर एज डस एसिटाइल कोलाइन. जैसे एसिटाइल कोलाइन वर्क करता है वैसे ही ये कॉलिनर्जिक ड्रग्स भी स्टिमुलेट करते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में. मे स्टिमुलेट कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स डायरेक्टली और स्लो एसिटाइल कोलाइन मेटाबोलिज्म एट सिनेप्सिस. तो ये स्लोली या फिर डायरेक्टली दोनों टाइप में कॉलिनर्जिक ड्रग्स इफेक्टिव है. तो इसलिए यहाँ पे टू टाइप्स में डिवाइडेड है कोलिनर्जिक ड्रग्स, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग. तो यहाँ पे ड्रग्स है आपके कोलिनर्जिक ड्रग इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटी कोलिनर्जेसिस. तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कोलाइनिस्टर्स एंड एल्कलॉइड्स. कोलाइनिस्टर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एसिटाइल कोलाइन, मेथाकोलाइन, कार्बाकोलाइन, बेथानोकोल. एल्कलॉइड्स इज डिवाइडेड इनटू मस्करिन, पिलोकार्पाइन. नेक्स्ट इज एंटीकोलिनहिस्टेरेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल के अंदर टू टाइप्स है, कार्बामेट्स एंड एक्रिडिन. कार्बामेट्स के अंदर आएगा आपका फिजोस्टिग्मा, नियोस्टिग्मा, पैरिडोस्टिग्मा, हाइड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मा, डोनीपाजिल एंड गैलनथैमाइन. नेक्स्ट एक्रिडिन के अंदर आएगा आपका टैक्रीन,
और इरिवर्सिबल ड्रग्स के अंदर टू टाइप्स है, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। कार्बामेट्स के अंदर आएगा आपका कार्बरिल एंड प्रोपॉक्सर। अंडर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर डाइफ्लक्स, इकोथायोपेट, मैलाथियोन एंड डायाजिनोन। सो दीज आर दी कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो फर्स्ट वी विल डील विद द डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट मीन्स ये डायरेक्टली एक्ट करता है। दे एक्ट बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू कोलिनो रिसेप्टर्स। तो जी इससे पहले हमने एक स्लाइड में देखा था कोलिनो रिसेप्टर्स, जैसे M1 हो गया था, M2 हो गया, हार्ट मस्केलेटल मसल्स, सेक्रेटरी ग्लैंड्स। तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली एक्ट करता है। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स आर लिपिड इनसॉल्युबल। और ये डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है ये लिपिड इनसॉल्युबल है, मीन्स ये लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं होता। डू नॉट रेडिली एंटर दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो इफेक्ट्स आर पेरिफेरल। तो ये डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट नहीं करता, ये पेरिफेरली बस आउटर पार्ट पे ही एक्ट करता है। रेजिस्टेंस टू मेटाबॉलिज्म बाय एसिटाइल कोलिन एस्टरेसेस। तो रेजिस्टेंस टू मेटाबॉलिज्म, अगर जब आप एसिटाइल जब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग चल रहा है, अगर उसी सेम टाइम पे आप अगर एसिटाइल कोलिन एस्टरेस ड्रग्स देते हो तो ये उसके एक्शंस को स्टॉप करेगा। इफेक्ट्स आर लॉन्गर एक्टिंग देन विथ एसिटाइल कोलिन। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है वो लॉन्गर एक्ट करता है इन कंपेरिजन टू एसिटाइल कोलाइन। तो यहाँ पे ड्रग्स है एसिटाइल कोलाइन, मेथाकोलाइन, कार्बाकोल, मेथेनाकोल, मस्केरिन, पिलोकार्पाइन एंड एरिकोलाइन। सो दीज आर दी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। ड्रग्स इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स। तो ये कोलिनर्जिक एजेंट्स कैसे इफेक्टिव है। फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स आर डिक्रीज हार्ट रेट एंड वैसोडाइलेशन। तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा और डायलेशन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेट इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर। ब्लैडर और इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन। देर विल बी अ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी इंक्रीज होगा और एक्स यूरिनरी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जो स्पिंक्चर रहता है वो रिलैक्स हो जाता है जब कोलिनर्जिक ड्रग्स चलते हैं। तो सो दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज स्टिमुलेट पीपल। तो आई में क्या होता है, ये पीपल को स्टिमुलेट करेगा, जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्शन, मियोसिस हो गया। जैसे मैंने बोला था कि म्यूसिस मीन्स एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द आई। तो जब एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं म्यूसिस। तो स्पैस्म ऑफ एकोमोडेशन, जो एकोमोडेशन है आई का, वो क्या हो जाता है, स्पैस्मोडिक हो जाता है। रिड्यूस्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर, तो जो आईओपी है, इंट्राओक्युलर प्रेशर है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी इफेक्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे ये इफेक्टिव है, ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन होगा और जो एयरवेज है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, इंक्रीज सलाइवेशन एंड स्वेटिंग। नेक्स्ट इज ड्रग्स इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स सच एज मियोसिस, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, डेफिकेशन, डिक्रीज हार्ट रेट। तो अभी तक जितने भी अपन स्लाइड इससे पहले पढ़े थे, तो ये सारे ओवरऑल इफेक्ट है कोलिनर्जिक ड्रग्स के। मियोसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल, सलाइवेशन होगा, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, डेफिकेशन। डेफिकेशन मीन्स पासिंग ऑफ स्टूल, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो डिक्रीज द हार्ट रेट। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स। नेक्स्ट विल सी द ड्रग दैट इज एसिटाइल कोलाइन। वन ऑफ द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एसिटाइल कोलाइन। तो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये मेन न्यूरो ट्रांसमीटर ये है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन इज रिलीज्ड एट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ दी बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वहाँ से एसिटाइल कोलाइन रिलीज होते हैं। ऑल्सो रिलीज फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स दैट इनर्वेट दी स्वेट ग्लैंड्स एंड फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स दैट इनर्वेट दी स्केलेटल मसल्स। तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से ही नहीं और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स से भी रिलीज होता है, जो कि स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और अगर ये मसल्स में रिलीज हो रहे हैं न्यूरॉन्स में, तो ये स्केलेटल मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है। इट इज़ अ क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, सो कैनॉट पेनिट्रेट दी मेम्ब्रेन। तो इस एसिटाइल कोलाइन में क्वार्टरनरी अमोनियम
प्रेजेंट रहने के कारण ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता. डज नॉट हैव एनी थेरापेटिक इम्पोर्टेंस बिकॉज रैपिड इनएक्टिवेशन बाय एसिटाइल कोलिन हिस्टरेसिस. तो ये ज़्यादा थेरापेटिक यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर सेम टाइम पे अगर एसिटाइल कोलाइन आप एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेसेस ड्रग्स दिए जाते हैं तो ये उसके इफेक्टिवनेस को टोटली रिड्यूस कर देता है, इसीलिए थेरापेटिक यूज़ नहीं है. इट हैज़ बोथ मस्करिनिक एंड निकोटिनिक एक्शंस. तो ये क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन में दोनों मस्करिनिक और निकोटिनिक एक्शन दोनों प्रेजेंट है. नेक्स्ट ड्रग इज बेथानिकोल, नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाई एसिड एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेसेस. तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलाइन, जो कि एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेसेस से इसका काम बंद हो जाता है, लेकिन पैथानिकोल वैसा नहीं. अगर आप पैथानिकोल ड्रग्स दे रहे हैं और सेम टाइम एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेस ड्रग्स दे रहे हैं तो ये दोनों में कोई भी कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं होता. एक्शंस, तो बेथानिकोल का क्या एक्शन है, डायरेक्टली स्टिमुलेट्स एम रिसेप्टर्स कॉजिंग इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड टोन. तो ये डायरेक्ट बेथानिकोल कहाँ से स्टिमुलेट, कहाँ पे स्टिमुलेट होगा, एम रिसेप्टर्स पे स्टिमुलेट होके इंटेस्टाइन मोटिलिटी और उसका टोनिसिटी को इंक्रीज करेगा. इट स्टिमुलेट्स डीट्रसर मसल ऑफ द ब्लैडर वाइल ट्रिगोन एंड स्पिंक्टर्स आर रिलैक्स्ड कॉजिंग एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन. तो ये डीट्रसर मसल्स क्या है, ये स्मूथ मसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लैडर. तो ये एक टाइप का मसल्स, स्मूथ मसल्स है जो कि ब्लैडर के वॉल में पाए जाते हैं, और ये स्पिंक्टर रिलैक्सेशन में भी हेल्प होता है बेथानिकोल. थेरापेटिक यूज़ है पैरालिटिक इलियस. पैरालिटिक इलियस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू पैरालिसिस. सो दिस आर द पैरालिटिक इलियस, हेल्पफुल इन पैरालिटिक इलियस यूरिनरी रिटेंशन एंड हेल्पफुल फॉर पोस्ट सर्जिकल अटॉनी ऑफ द ब्लैडर. नेक्स्ट ड्रग इज पिलोकार्पाइन. इट इज़ एन एल्कलॉइड, लिपिड सोल्यूबल एंड इज स्टेबल टू हाइड्रोलाइसिस बाई कोलिनस स्ट्रेसेस. तो ये जो एक टाइप का एल्कलॉइड है जो कि लिपिड में सोल्यूबल है और ये स्टेबल है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में, और इसका एक्शन है व्हेन अप्लाइड लोकली टू कॉर्निया प्रोड्यूसेस रैपिड मियोसिस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल, प्रोड्यूसेस स्पैस्म ऑफ एकोमोडेशन एंड विजन इज फिक्स्ड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू फोकस फॉर फार सिचुएटेड ऑब्जेक्ट्स. इसका एक्शन मेन है जब आप इसको कॉर्निया में अप्लाई करते हो तो ये मियोसिस होने के चांसेस रहते हैं, और क्या है एकोमोडेशन, जो विजन का जो एकोमोडेशन रहता है वो भी स्पैस्मोडिक हो जाता है, और ये टोटली एक ही साइट पे फिक्स हो जाता है इनका विजन, जो कि दूर तक उनको ज़्यादातर दिखाई नहीं देता. और इसका थेरापेटिक यूज़ है ये ग्लोकोमा में आप दे सकते हो. एक्वासिम्बर अगर ज़्यादा फ्लो हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है फ्लो इसका, तो उस टाइम पे भी दे सकते हैं, और आईओपी इमीडिएटली डिक्रीजेस. और ये क्या करता है, जैसे ही आप इसको देते हो तो इंट्राओक्युलर प्रेशर जो ज़्यादा फ्लो हो रहा है इसके फ्लो को रोकता है और इमीडिएटली डिक्रीजेस. नेक्स्ट विल सी दी इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. दे एक्ट थ्रू इनिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस एंजाइम, सो इंक्रीज एसिटाइल कोलाइन लेवल इन दी सिनेप्स. तो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये ड्रग्स क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस का एंजाइम का जो वर्क था उसको स्टॉप करके एसिटाइल कोलाइन वर्क को इंक्रीज करता है. मीन्स एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेसेस एंजाइम को रोकेगा ये, लेकिन उसी सेम टाइम पे एसिटाइल कोलाइन का लेवल को इंक्रीज करता है. एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन देन ऑकर्स व्हेन एनहांसेस द एक्टिवेशन ऑफ निकोटेनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर. तो जैसे ही ये निकोटेनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे इफेक्टिव होता है उसी टाइम पे एसिटाइल कोलाइन भी इंक्रीज हो जाता है. एंटी कोलिन स्ट्रेसेस ड्रग्स आर आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनिबिटर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस. तो यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ड्रग्स है. इरिवर्सिबल के अंदर आएगा नियोस्टिगमिन, फिजोस्टिगमिन, पैरिडॉक्सस्टिगमिन, हाइड्रोफोनियम, टैक्रीन, डोनिपेजिल, और इरिवर्सिबल के अंदर आएगा आपका डाइफ्लोस, पैराथियोन, टैबन, सैरिन एंड कार्बरिल. एक्स विल डील विद द ड्रग दैट इज फिजोस्टिगमिन. ओनली एंटी कोलिन स्ट्रेस कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, इट इज मोर लिपिड सॉल्युबल. तो फिजोस्टिगमिन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसर है ये, और ये लिपिड में भी सॉल्युबल हो सकता है. यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ एंटी कोलिनर्जिक
such as atropine, antihistamine, TCA, phenothiazine may also be used in treatment of glaucoma. तो ये जो physostigmine है कब दे सकते हो, ये आप antidot के treatment में भी आप दे सकते हो, जैसे कि अगर anticholinergic drugs का overdose हो गया, जैसे कि atropine, antihistamine, ये सारे drugs के अगर डोज बढ़ गया है तो उसको एज ए उसके अगेंस्ट एंटीडोट के तौर पे आपको फिजोस्टिगमाइन दे सकते हैं और ये ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल है. नेक्स्ट ड्रग इज पैरिडोस्टिगमाइन. इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ मैस्थेनिया ग्रेविस. तो मैस्थेनिया ग्रेविस मतलब फटीग ऑफ मसल्स. तो जो पर्सन को मसल्स का डिसऑर्डर है, फटीग, टायर्डनेस हो रहा है, तो वैसे पर्सन को मसल्स के मेंटेनेंस के लिए पैरिडोस्टिगमाइन ड्रग्स देते हैं. नेक्स्ट इज नियोस्टिगमाइन. प्रोटोटाइप एंटीकोलिनेस्ट्रेस एजेंट यूज फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ मैस्थेनिया ग्रेविस एंड एज एन एंटीडोट फॉर ट्यूबोक्यूरिन एंड अदर नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स इन सर्जरी. तो ये सर्जरी के टाइम पे दे सकते हैं और ये एंटीडोट के टाइम पे भी एंटीडोट दे सकते हो आप अगर ट्यूबोक्यूरिन ड्रग और अदर डिपोलराइजिंग एजेंट्स के कारण डोज बढ़ जा रहा है या फिर मिस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं. नेक्स्ट इज डोनीपेजिल यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज. तो अल्जाइमर डिजीज क्या है, ये एक मेमोरी डिसऑर्डर है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप डोनीपेजिल ड्रग भी दे सकते हैं टू इंक्रीज और मेंटेन मेमोरी और लर्निंग कैपेबिलिटीज. नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. तो क्या क्या यूज है, कैसे यूज़ या फिर कौन से कंडीशन में यूज़ कर सकते हो आप इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. तो फर्स्ट है ग्लोकोमा, ग्लोकोमा पिलोकार्पाइन एंड फिजोस्टिगमाइन ड्रग देते हैं. एड्रोफोनियम टू टेस्ट मिस्थेनिया ग्रेविस, नियोस्टिगमाइन एंड पैरिडोस्टिगमाइन इन ट्रीटमेंट ऑफ एम मिस्थेनिया ग्रेविस. तो मिस्थेनिया ग्रेविस के टेस्ट या फिर ट्रीटमेंट के लिए आप एड्रोफोनियम, नियोस्टिगमाइन और पैरिडोस्टिगमाइन ड्रग्स दे सकते हो. नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस के लिए नियोस्टिगमाइन, पोस्ट ऑपरेटिव डी कराइजेशन के लिए आप नियोस्टिगमाइन ड्रग्स दे सकते हो. सो दीज आर द यूजेस ऑफ इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. नेक्स्ट कोबरा बाइट, अगर कोबरा बाइट हो गया है तो उसमें आपको एड्रोफोनियम ड्रग्स दे सकते हो. नेक्स्ट एट्रोपिन पॉइजनिंग, अगर एट्रोपिन पॉइजनिंग हुआ है तो फिजोस्टिगमाइन उसके अगेंस्ट एंटीडोट के अगेंस्ट एंटीडोट एज ए एंटीडोट दे सकते हो. अल्जाइमर डिजीज हुआ है तो डोनीपेजिल, गैलेंटामाइन, टैक्रीन, रिवास्टिगमाइन और TCA फिनोथाइजिन ओवरडोज. ये ड्रग्स जो है TCA क्या है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है और फिनोथाइजिन अगर इसका डोज हो गया तो उसके अगेंस्ट एंटीडोट में आपको फिजोस्टिगमाइन ड्रग्स दे सकते हो. नेक्स्ट विल सी द कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स. तो ये साइड इफेक्ट्स है कोलिनर्जिक के. फर्स्ट कार्डियोवैस्कुलर में ब्रैडीकार्डिया होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हाइपोटेंशन, कंडक्शन एबनॉर्मलिटी जैसे AV ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट, ये सारे चीज़ हो सकते हैं. हेडेक, डिजीनेस, कन्वल्शंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इंक्रीज सिक्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग. तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं कोलिनर्जिक एजेंट्स के. नेक्स्ट इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन, ब्रोंकोस्पास्म, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, सलाइवेशन, लॉस ऑफ बाइनोकुलर एक्यूमिडेशन, मियोसिस. सो दीज ऑल आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक इफेक्ट्स. तो ब्रोंकियल सिक्रेशन इंक्रीज हो सकता है, ब्रोंकियल स्पास्म होगा, पेन होगा पर्सन को, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, सलाइवेशन हो सकता है और जो उनका विशन का एकोमोडेशन है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और मियोसिस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल का भी कंस्ट्रिक्शन हो सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्यूट टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ इरिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनिबिटर्स. तो दीज एजेंट्स आर लिपिड सॉल्यूबल. तो ये जो एक्यूट टॉक्सिक इरिवर्सिबल ड्रग्स जो है वो लिपिड सॉल्यूबल है, कैन एंटर द बॉडी बाय द आई, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड GI ट्रैक. तो बॉडी में ये कैसे एंटर करेंगे, आई के थ्रू, स्किन के थ्रू या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और GI ट्रैक के थ्रू एंटर करेंगे. ऑर्गेनोफॉस्फेट, इंसेक्टिसाइड्स और नर्व गैसेस, दीज एजेंट्स कॉज एक्सेसिव कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन एंड न्यूरो ट्रांसमीटर ब्लॉकेज. तो ये जो एजेंट्स है ये कोलिनर्जिक को स्टिमुलेट करेगा और न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक करने में हेल्पफुल है. नेक्स्ट कोलिनर्जिक क्राइसिस ऑकर्स बिकॉज द इरिवर्सिबल एंटी कोलिनर्जिक पॉइजन बाइंड्स टू द एंजाइम एंटी
एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंड इनएक्टिवेट्स इट। तो ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस मीन्स कोलिनर्जिक का ट्रीटमेंट पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इरिवर्सिबल एंटी कोलिन स्ट्रेस ड्रग्स है ये पॉइजनस भी कॉज कर सकते हैं। कैसे? जैसे एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस को इनएक्टिवेट करके। दस एसिटाइल कोलिन रिमेंस इन कोलिनर्जिक सिनेप्सिस कॉजिंग एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ मसल। इसलिए उस पॉइजनस सब्सटेंस को या फिर एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के वर्क को फुलफिल करने के लिए एसिटाइल कोलाइन एज इट इज वर्क करता रह जाता है। नेक्स्ट वी विल सी द ट्रीटमेंट ऑफ ओपी पॉइजनिंग। ओपी मीन्स ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गया तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? फर्स्ट इज डिकन्टामिनेशन ऑफ क्लोथिंग। जो भी वो लोग क्लॉथ पहने रहेंगे उसको पहले आपको डिकन्टामिनेट करना है। नेक्स्ट फ्लशिंग पॉइजन फ्रॉम स्किन एंड आइज। तो जो अगर आइज में स्किन में गया है या फिर नहीं भी गया होगा तो आपको आइज और स्किन को टोटली वॉश करना है, फ्लश करना है। एक्टिवेटेड चारकोल एंड लेवेज फॉर GI इंजेक्शन। तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हो ताकि वो जितना भी पॉइजन GI ट्रैक में गया है वो एब्जॉर्ब होके एक्सक्रेशन प्रोसेस के थ्रू निकल जाए, और लैवेज प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हो। एट्रोपिन टू काउंटरेक्ट द मस्करेनिक इफेक्ट्स। एट्रोपिन सेम टाइम पे अगर पॉइजनिंग हो गया, ओपी पॉइजनिंग, तो आप एट्रोपिन एज ए ट्रीटमेंट दे सकते हो। आपका डोज है 2 mg IV एवरी 10 मिनट टिल प्यूपल डायलेट्स। तो 2 mg हर 10 मिनट में आपको IV देना है, 2 mg तक जब तक प्यूपल डायलेट नहीं हो जाता है। मैक्सिमम आपको 50 to 100 mg देना है। नेक्स्ट टू रिलीव द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट बाय निकोटिनिक इफेक्ट्स गिव प्रालीडॉक्साइम और कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को रिलीव करने के लिए आप प्रालीडॉक्सिन ड्रग्स दे सकते हो। प्रालीडॉक्सिन कॉजेज द एंटी कोलिन स्ट्रेस पॉइजन टू रिलीज द एंजाइम। तो जो पॉइजन कॉज हो चुका है तो ये उसको रिलीज करता है। गिव प्रालीडॉक्सिन एज सून एज पॉसिबल एज इफ टू मच टाइम पासेस। तो जैसे अगर पॉइजनस पर्सन हो गया है, पर्सन ओपी पॉइजन हो गया है और थोड़ा लेट हो गया है, तो उनको जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हो तुरंत आपको प्रालीडॉक्सिन ड्रग्स दे सकते हो। अदर ड्रग्स आर ओबिडॉक्सिम एंड डाई एसिटाइल मोनोक्सिम। थैंक यू।